गरियाबंद जिले में वन विभाग ने पहली बार किसी फरार शिकारी पर 10,000 रुपए के इनाम घोषणा की है। उक्त आरोपी उदंती में शिकारियों को पोटाश बम बेचता था। आरोपी शिकारी मध्य प्रदेश के पारधी शिकारी गिरोह का सदस्य बताया जाता है। उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उपसंचालक वरुण जैन ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये पारधी शिकारी गिरोह का एक व्यक्ति जो राहुल नामक व्यक्ति पिछले कई सालों से जो है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में आके जो है पोटाश बम की सप्लाई यहाँ के शिकारियों को किया करता है, और उसी के तारतम्य में जो है पिछले महीने जो है भालू की पोटाश बम से जो है शिकार किया गया, उसको पकड़ने के लिए जो है हमने 10,000 रुपये का इनाम रखा है। और वो इसलिए रखा है क्योंकि पिछले वर्षों में भी जो है 15 से 20 किलो पोटाश बम जो है वो यहाँ लाए गए थे, और कुछ कुछ शिकारियों के पास अभी भी अंदेशा है कि वो बम होंगे, और वो ऐसी जगहों पर रखते हैं जहाँ से जो है वन अमला भी गुजरता है, CRPF का अमला भी गुजरता है, और वन्य प्राणी जो है विविध रूप से वो भी गुजरते हैं, तो उनकी जान माल का नुकसान बना हुआ है। तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए और आरोपी को जल्द से जल्द ढूंढ निकाल के गिरफ्त में लेने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। इनाम की घोषणा के साथ साथ विभाग में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने आरोपी की फोटो ग्रामीणों के समक्ष जारी कर सभी थानों को भी फोटो भेजी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भालू के मुंह में पोटाश बम फटने से भालू की मौत हुई थी। इसके बाद गिरफ्त में आए एक शिकारी ने आरोपी का खुलासा किया था।